दोस्तों, सबसे पहले आपको आपके मोबाइल का स्क्रीन के ऊपर ऐसे टैप करके रखना होगा जब तक जो है टॉक बैक का विंडो जो है ओपन हो नहीं जाता आपके लिए। तो आप देख लीजिए मैं कैसे कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो टॉक बैक का जो है विंडो ओपन हो गया है। तो आपको इसके तरफ एग्जिट पर एक बार टैप करना है, उसके बाद दो बार टैप करना है एक साथ। तो उसके बाद आपको ऐसे जो गेस्चर करना है और यहाँ पर टॉक बैक का जो सेटिंग है आपको इसके ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर से नीचे आके आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन जो अप कर देना है ताकि जो डबल टैप का ऑप्शन बंद हो जाए, आप सिंगल टैप से सब कुछ कर सकते हैं। तो इसको सिंपली डिसेबल कर दीजिए और नीचे की तरफ चलाइए और यहाँ पर प्राइवेसी पॉलिसी पर टैप कीजिए। उसके बाद आपको क्रोम ओपन करना है ना कि जो इंटरनेट। तो आप सिंपली क्रोम को ओपन कर लीजिए यहाँ पर से। तो यहाँ पर क्रोम को ओपन करने के बाद आपको एक वेबसाइट पर जाना है। तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपके लिए दे दूंगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस वेबसाइट पे आपको जाना है। वेबसाइट का नाम है bit.ly/unlockFRP। तो आपको सिंपली इस वेबसाइट पे चले जाना है। तो आप देख सकते हैं वेबसाइट जो यहाँ पर खुल गया है और यहाँ पर आपको सिर्फ 5 सेकंड जो है वेट करना है। तो आप देख सकते हैं प्लीज वेट दिखा रहा है और उसके बाद आपको स्किप ऐड ऑप्शन आ गया है। तो आप इसके ऊपर टैप कीजिए। तो इसके ऐड पर टैप कीजिए। टैप करने के बाद आपके लिए एक नया वेबसाइट ओपन हो जाएगा। वेबसाइट ओपन होने के बाद आपको नीचे की तरफ चले आना है। तो आप नीचे की तरफ स्क्रॉल कीजिए तो आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 डाउनलोड का ऑप्शन दिया गया है। एक गूगल अकाउंट मैनेजर 5, मतलब अगर आपका फोन एंड्रॉइड 5 है, और 6 अगर आपका फोन एंड्रॉइड 6 है। तो मेरा फोन एंड्रॉइड 5 है तो मैं 5 डाउनलोड कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं डाउनलोड स्टार्ट कर दिया और यहाँ पर डाउनलोड कम्प्लीट हो गया। तो मैं सिंपली इसको ओपन कर लेता हूँ और आपको सिंपली जो गूगल अकाउंट मैनेजर 5 है आपको आपके फोन के ऊपर यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं इसको सिंपली यहाँ पर से इंस्टॉल कर लेता हूँ। आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट कर देना है। तो इसको आपको सिंपली डन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ से जो अकाउंट लॉगिन है आपको इसके ऊपर टैप करना और इसको डाउनलोड कर लेना है। तो आप देख सकते हैं जो डाउनलोड हो भी गया है। तो आपको सिंपली इसको ओपन कर देना है और इंस्टॉल। तो यही जो सॉफ्टवेयर है इसके बाद से आप जो है आपका गूगल का जो अकाउंट इसको बाईपास कर पाएंगे। तो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको ओपन कर लेना है इसको। ओपन करने के बाद आपको ऊपर की तरफ जो 3 डॉट्स दिखाई देगा आपको इसके ऊपर टैप करना है और ब्राउजर साइन इन पर टैप करना है। उसके बाद आपके लिए एक वेबसाइट ओपन हो जाएगा जहाँ पर आपको आपकी किसी भी एक एंड्रॉइड का जो किसी भी एक गूगल का जो अकाउंट आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। मतलब अगर आपका जो पिछले अकाउंट आप भूल गए थे तो आप यहाँ पर जो आपका जो नया अकाउंट है और नया अकाउंट आप बना भी सकते हैं। तो आप यहाँ पर किसी भी अकाउंट से गूगल अकाउंट से आप यहाँ पर लॉगिन हो सकते हैं। तो आप देख सकते हैं मैं किसी भी गूगल अकाउंट से यहाँ पर लॉगिन हो रहा हूँ। वन मोमेंट, उसके बाद यहाँ पर साइन इन दिखा रहा है। तो ये प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद आपका फोन में जो यही जो अकाउंट है ये फिर मतलब ऑलरेडी एडेड रहेगा और आपका फोन ओपन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो वाईफाई का ऑप्शन में ट्रांसफर करते हैं तो आप आपकी किसी भी वाईफाई में लॉग इन हो जाइए। तो फिर मैं मेरा पासवर्ड जो यहाँ पर डाल देता हूँ। तो आप देख सकते हैं पर मैं नेक्स्ट कर देता हूँ इसको और यहाँ पर ये जो विंडो आता है तो आप सिंपली इसको बैक प्रेस करते रहिए जब तक आपका जो फोन का मेन विंडो ओपन नहीं होता। तो आप देख सकते यहाँ पर वेलकम आ गए। तो आप सिंपली नॉर्मल प्रोसेस में जैसे आप आपके फोन को फॉर्मेट करने के बाद रिसेट करने के बाद आप ओपन करते हैं आप कोशिश कीजिए वैसे ही ओपन करने के लिए। तो आप देख सकते हैं मैं वैसे ही ओपन करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पर चेकिंग कनेक्शन आ रहा है और थोड़े देर में शायद कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पर सॉफ्टवेयर अपडेट आ गया है और अकाउंट एडेड। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर सक्सेसफुली जो अकाउंट ऐड हो गया है। मतलब अब मैं
जो दूसरे अकाउंट को लॉग इन किया था तो वही अकाउंट यहाँ पर लॉग इन हो गया है, तो मैं सिंपली इसको नेक्स्ट कर सकता हूँ और यहाँ पर जस्ट अ सेकेंड, उसके बाद मैं इसको स्किप कर देता हूँ, स्किप एनीवे, और यहाँ पर गूगल का सर्विस है तो इसको मोर नेक्स्ट। तो चलिए गाइस इसको स्किप करना है क्योंकि ये सैमसंग के अकाउंट है, जरूरी नहीं है, तो इसको सिंपली स्किप कर देते हैं। और यहाँ पर आप गाइस देख सकते हैं सेटअप जो है सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है। तो गाइस आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से मैं कैसे आप मेरे फोन को जो है गूगल अकाउंट को बाईपास कर लिया है। तो गाइस आप इस तरीके से किसी भी एंड्रॉयड मोबाइल को आप गूगल का अकाउंट को जो है बाईपास कर सकते। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगा होगा, अगर हेल्पफुल लगा तो प्लीज 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 गाइस इसे देख सकते हैं, रेड बटन होगा उसके ऊपर टैप करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।